तो गाइस दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और अगर आप ऐसे में सोच रहे हो कि भाई एक एयर कूलर लेना है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा एयर कूलर लें अगर ले भी तो ये आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज हम देखने वाले हैं कुछ तीन ऐसे बेस्ट एयर कूलर जो कि आप खरीद सकते हो अंडर 5000 और 6000 रुपीज़। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही इसके रेट थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, यानी कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं रेट 100-200 रुपये। तो अगर आपको बेस्ट प्राइस पर ख़रीदना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जितने मैं इसमें प्रोडक्ट बताऊँगा आपको सबकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके खरीदेंगे तो आपको बेस्ट ऑफर पर जो भी उस टाइम पर चल रहा होगा उस प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो जो लिस्ट में नंबर 3 पे है वो हमारा ओरिएंट की तरफ से आने वाला ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्मार्ट कूल एयर कूलर। तो अगर हम इसकी कुछ स्पेक्स की बात करें तो ये 20 लीटर का एक कूलर है जो कि आपको वाइट और ग्रे कलर में काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। साथ ही में इसमें ये इन्वर्टर कंपेटेबल है, यानी कि आप इसे इन्वर्टर से भी चला पाओगे। साथ ही में इसमें डस्ट फिल्टर भी है। होता क्या है, कई बार हम ऐसी जगह पे कूलर को सेटअप कर देते हैं जहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें एक डस्ट फिल्टर भी दिया गया है। साथ ही में इसमें 4-way कूलिंग है, यानी कि चारों तरफ आपकी कूलिंग ये पहुँचाएगा पूरे रूम में या जहाँ पर भी आप इसे लगाएंगे। साथ ही में इसमें एयर चेम्बर भी है, यानी कि आप उसमें आइस वगैरह रख के कूलिंग को ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, और अगर आपको ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो आप उसमें आइस गेर के और ज़्यादा तरीके से उसका यूज़ कर पाएंगे अच्छे तरीके से। साथ ही में इसमें 3-speed मोटर कंट्रोल है, यानी कि आप मोटर की स्पीड को 3 level तक कंट्रोल कर सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई के हिसाब से। साथ ही में इसमें कूलिंग के लिए हनीकॉम पैड दे रखे हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में इस कूलर का एयर थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि अगर आपका कमरा बड़ा है तो भी आपको दूर तक हवा महसूस होगी। एंड लास्टली इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो यह है 4390 रुपये का, जो कि इसकी स्पेक्स को देखते हुए काफ़ी एक अच्छी प्राइस है। तो जैसे कि मैंने कहा थोड़ा बहुत प्राइस इसका ऊपर नीचे होता रहता है, तो बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके इजीली परचेज कर सकते हैं। जो हमारी लिस्ट में नंबर 2 है वो है सिम्फनी की तरफ से आने वाला सिम्फनी निंजा XL एयर कूलर। तो ये एक 17 लीटर का एयर कूलर है जिसमें कि ये आइडियल है मीडियम साइज़ के रूम्स के लिए, यानी कि अगर आपका रूम मीडियम साइज़ का है तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट चॉइस हो सकती है। साथ ही में इसमें मल्टी डायरेक्शनल व्हील्स हैं, यानी कि आपके हर घर के आपके हर कोने में ये हवा को डायरेक्ट करेगा। साथ ही में इसमें हनी कॉम पैड हैं जो कि आपके कूलिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं और कूलिंग को इन्हेंस करते हैं एयर कूलर की। साथ ही में 150 watt का एयर कूलर है और जिसी के साथ आपको 1 year की वारंटी भी मिलेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में इसमें लेस नॉइस लेवल है, यानी कि आपको इसमें लेस नॉइस देखने के लिए मिलेगी। कभी आपने देखा होगा कि भाई जो एयर कूलर्स वगैरह होते हैं ये खड़खड़ और पता नहीं कैसी कैसी वॉइस करते रहते हैं, तो इसमें ये सब आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी स्मूथली परफॉर्म करता है जिसकी वजह से आपको नॉइज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो वो है 4500 रुपये, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्राइस है। तो अगर आपको इसे खरीदना हो तो नीचे लिंक से आप इसे जाके खरीद सकते हैं। एंड फाइनली जो हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है वो है बजाज की तरफ से आने वाला बजाज प्लैटिनी PX97 टॉर्क एयर कूलर। तो ये एक एयर कूलर जो है ये भी एक काफ़ी अच्छा एयर कूलर है। ये आपको है 36 लीटर का एक एयर कूलर है, यानी कि ओबियसली इसमें आप ज़्यादा वाटर वगैरह डाल पाएंगे। साथ ही में एक आइडियल है मिड साइज़ के रूम के लिए, यानी कि अगर आपका रूम मिड साइज़ का है तो ये आपके लिए परफेक्टली काम करेगा। इसी के साथ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कास्टर व्हील फॉर इजी मोबिलिटी, और इसी के साथ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा हनी कॉम्पैड्स जो कि आपको कूलिंग में ओबियसली हेल्प करेंगे। साथ ही में इसमें आपको मिलेगा 4-way एयर डिफ्लेक्शन जो कि आपको आपके रूम में चारों तरफ हवा पहुँचाने में हेल्प करेगा। इसमें 3 level स्पीड कंट्रोल भी है जिसकी वजह से आप डिफरेंट सेटिंग पे कूलर को चला पाएंगे। साथ ही में इसमें मोटर की बात करें तो ये 100 watt का एक एयर कूलर है, और साथ ही में ये इन्वर्टर कंपेटेबल भी है, यानी कि आप इन्वर्टर वगैरह के साथ भी इसको चला पाएंगे। साथ ही में इसके साथ में आपको देखने के मिलेगी 1 year की वारंटी, और इसी के साथ ये आता है लेस नॉइस टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें आपको लेस नॉइस ऑब्वियसली देखने के लिए मिलेगी और आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। और बात करें इस एयर कूलर की प्राइस की तो वह 5299, जो कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ बेस्ट एयर कूलर 6000 के अंडर में जो कि आप खरीद सकते हैं 2020 में। तो हालांकि लिस्ट थोड़ी शॉर्ट ही है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ज़्यादा कूलर बता देता तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो जाते, और अगर आप मेरी मानो तो आपके प्राइस में जो भी फिट हो सकता है वो आप ले लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो नंबर 1 वाला यानी कि 5299 वाला तो आप उसके लिए चले जाइए, और नहीं तो आपके प्राइस में मतलब जो भी आपकी जेब पे सही लगे आप उसके लिए चले जाइए, आप उसको परचेस कर सकते हैं। जिसके साथ ही आपको बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप अपने रिलेटिव्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, या अगर आप वो देख रहे हैं कि भाई कौन सा एयर कूलर लें 6000 के अंडर, या फिर आप उनसे राय पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देने हैं या फिर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।